पूर्व विधायक सीताराम बोले, हम जिसका नमक खा लेते हैं उसे गद्दारी नहीं करते। आज के कार्यक्रम की सारी भीड़ मेरे बुलाने पर आई है। खबर कराहा से है, जहां पूर्व विधायक के बयान के बाद बीजेपी की राजनीति में हलचल मच गई है। अब हर किसी के मन में ये सवाल है कि क्या सीताराम आदिवासी कुछ बड़ा करने वाले है? क्या वह अपने आप को बीजेपी में उपेक्षित महसूस कर रहे हैं? क्या वह निर्दलीय चुनाव का मन बना रहे हैं? देखिए इन तमाम सवालों के जवाब क्या दे रहे हैं पूर्व विधायक सीताराम आदिवासी। देखिए कराहा से संवाददाता अमित कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। जी सीताराम जी, आज जो कार्यक्रम हो रहा है सीएम साहब का, ये आदिवासी हुजूम आया पूरा, क्या कहते हो, ये कौन की मेहनत है ये? आज हमारे सीएम साहब प्रदेश भोपाल से आ रहे हैं, सीएम साहब हमारे मोहन आदम जी, आज प्रोग्राम है 22 तारीख का, आने वाले हैं 2-3 बजे। और आज हमारे तेंदुपत्ता आदिवासी संघ का बोनस बांटा जाएगा और कम से कम 50-60 हजार आदिवासी आए, पीवर आदिवासी से एरिया समाज से मैं लाया हूँ सबके लिए, और बहुत भीड़ भाड़ रहेगी और हमें बहुत खुशी है। हमारे मुख्यमंत्री आ रहे हैं, हमारे रामनिवास रावत भी आ रहे हैं, हमारे कंसाना जी प्रभारी, हमारे प्रभारी मंत्री भी आ रहे हैं, कृषि मंत्री भी आ रहे हैं, और हमारे सुबह से लगातार आपको नाराजगी देखी जा रही थी। नहीं नहीं, कोई नाराजगी नहीं है, मुझे खुशी है, बहुत जनता आ रही है हमारे पूरे आदिवासी। चुनाव की क्या स्थिति रहेगी? चुनाव भी बहुत दमदार रहेगी, हमारे कांग्रेस आपके समाज के प्रत्याशी को उतारने वाली है मैदान में। नहीं, भले ही तर जाए पर हमारे आदिवासी नहीं बदलेगी, जिसका नमक पानी खा लेते हैं नहीं, कभी आदिवासी नहीं बदलेगा, क्यों कांग्रेस है ही नहीं है नहीं, हम प्रदेश में कोई नेता ही नहीं रही कांग्रेस में, हमारे आदिवासी सब समझ रहे हैं, पहल की लाइन नहीं है, दमदार आदिवासी है, बीजेपी में रहेगा ये, क्यों 3 वरिया में टिकट दियो जनता पार्टी ने, तो हमें आदिवासी ने पूरा वोट दिया। अभी अभी ये बताइए, क्या विजयपुर से क्या आपका टिकट नहीं हो सकता क्या बीजेपी से? आपके टिकट के कयास है क्या? नहीं नहीं नहीं, अभी तो देखो रामनिवास रावत में लगा पार्टी का कहना है, तो क्या आप देखो आपने मन बना लिया कि लड़ने का चुनाव है? चुनाव लड़ सकते हैं आप? नहीं नहीं नहीं, नहीं लड़ेंगे। आपने मन नहीं बनाया? हाँ।